ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम ढिलापुर में 4 जून को एक 12 वर्षीय लड़के सूरज प्रजापति की लाश कुएं में मिली थी। लड़का अपने घर से 31 मई को लापता हुआ था। लड़के के पिता तुलसीदास प्रजापति के द्वारा इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, लेकिन जब लड़के की लाश कुएं से बरामद हुई तो मामला हत्या का प्रतीत हुआ था। पुलिस ने सोमवार को इस मामले का खुलासा किया तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल लड़के की हत्या उसकी मां के प्रेमी ने ही गला दबाकर की थी। ओरछा रोड थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने बताया कि जिस कुएं में लड़के की लाश मिली थी उसमें महज 1 फीट पानी था। इसके अलावा लड़के का मोबाइल उसकी जेब से अलग दूर पड़ा हुआ था। हालांकि लाश 4 दिन पुरानी हो चुकी थी, जिसके कारण पीएम रिपोर्ट में बहुत सारी मदद नहीं मिल सकी, लेकिन पहले ही दिन से हत्या का संदेह करने लायक सबूत मिल रहे थे। तभी एक मुखबिर ने सूचित किया कि मृतक की मां और उसके पिता ईंट भट्टों का काम करते थे। गांव का ही एक व्यक्ति अच्छू कुशवाहा भी यहां काम करता था। इसी दौरान अच्छू कुशवाहा और मृतक की मां के बीच अवैध संबंध निर्मित हो गए, जिन्हें मृतक सूरज ने देख लिया था। इसी बात को लेकर सूरज और अच्छू कुशवाहा के बीच विवाद भी हुआ। 31 मई को पोल खुलने के डर से अच्छू कुशवाहा ने सूरज प्रजापति की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया। अच्छू कुशवाहा ने यह बात ना तो सूरज की मां को बताई और ना ही गांव में किसी और को इसकी भनक लगी। इसके बाद अच्छू सामान्य तरीके से रहने लगा। पुलिस को घटना स्थल पर मिले सबूत हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही किसी मुखबिर ने पुलिस को अवैध संबंधों की जानकारी दी। पुलिस ने जब इसकी तस्दीक के लिए अच्छू कुशवाहा को उठाया तो उसने घटना दिनांक को छतरपुर में होने के बयान दिए। इन बयानों में वह झूठा साबित हुआ। कई बार बयानों को बदलने के बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। पुलिस ने उसे धारा 302 के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हत्याकांड के खुलासे में एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में सीएसपी लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में ओरछा रोड थाना प्रभारी अभिषेक चौबे, एएसआई शिव कुमार, प्रधान आरक्षक दाताराम, राजेश बागरी, संजय, हृदय, प्रमोद आदि ने सराहनीय भूमिका निभाई।